शुभेच्छा, स्वागत करती हूँ आप सभी का चल संदेश टाइम्स में। काबुल धमाके को लेकर इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए सीरियल बम धमाके के तार भारत के केरल से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें केरल के 14 लोग, जी हाँ 14 लोग काबुल हमले के आतंकी गिरोह आईसिस खुरासन आतंकी समूह से जा मिले थे। सूत्रों की माने तो तालिबान ने ही इन्हें अफगानी जेल से आजाद कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कराने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत का भारतीय कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत को चिंता है इन लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करके आतंकी समूह भारत का नाम खराब कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन 14 लोगों में से किसी एक ने केरल में अपने घर से संपर्क भी किया था, जबकि बाकी सभी लोग काबुल में इस समूह के साथ हैं। जब 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवांट ने मोसुल पर कब्जा किया, तो केरल के मल्लापुरम, कासरगोड और कन्नूर जिले से भागकर कई स्थानीय लोग इस समूह से जा मिले थे। इनमें से कई अफगानिस्तान के नंगरहार आकर आईसिस से जुड़ गए थे। खबरों के मुताबिक तालिबान ने 26 अगस्त को काबुल में खुरासन से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकियों को तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसी के बाहर से पकड़ा है। इस मामले को लेकर तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के कुछ देर बाद ही पकड़े गए इन पाकिस्तानियों के पास से आईडी बरामद हुई है। अफगानिस्तान से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर हक्कानी नेटवर्क का कंट्रोल है। जलालाबाद काबुल से होते हुए जादरान पश्तूनी लोग अफगानिस्तान के नंगरहार में प्रभाव रखते हैं। यहां से पाकिस्तानी सरहद शुरू होती है। नंगरहार प्रांत में आईएसएस या आईएसकेपी सक्रिय हैं। इस संगठन ने हक्कानी नेटवर्क के साथ काम किया है। तो ये थी हमारी काबुल धमाके से जुड़ी विशेष खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।